जैसे की तैयारी कर रही युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने अपहरण की साजिश रच डाली। प्रेमी ने युवती के पिता से फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपए मांगे थे। भंवर को पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। मामला 2 अक्टूबर का है। भंवरकुआ चौराहे स्थित एक हॉस्टल में रहने वाली छात्रा पीएससी की तैयारी कर रही है। उसने अपने तथा कथित प्रेमी सूरज शर्मा के साथ मिलकर अपहरण की कहानी गढ़ी और फिर प्रेमी सूरज ने युवती के पिता को फोन कर 5 लाख रुपए मांगे। घबराकर युवती के पिता ने हॉस्टल के वार्डन और पुलिस से संपर्क किया। जांच में पुलिस को मामला संदेहास्पद लगा, लेकिन जब सूरज शर्मा को धर दबोचा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। दरअसल सूरज की माली हालत ठीक नहीं है, इसी के चलते युवती ने अपहरण का नाटक किया। पैसे मिलने के बाद दोनों भागने की फिराक में थे। बहरहाल छात्रा के पिता ने थाने में शिकायत नहीं की है। हालांकि पुलिस ने सूरज पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जरूर की है। 2 अक्टूबर की बात है। एक युवती जो कि इंदौर में भंवरकुआ चौराहे के पास के एक हॉस्टल में रह करके और पीएससी की तैयारी कर रही थी, उसने अपने एक जान पहचान के युवक तथा कथित प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि क्योंकि उसका प्रेमी कुछ ज़्यादा कमाता नहीं है तो आगे जब हम भागेंगे तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, उस खर्चे के लिए पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाए। उस षड्यंत्र में वह युवक जो उसका प्रेमी था वह शामिल हो गया और एक टीम बनाकर रात भर सर्चिंग की वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, चूंकि मामला गंभीर था, परंतु जांच के दौरान और तलाश के दौरान यह बात स्पष्ट होने लगी कि इसमें कोई ना कोई संदेहास्पद कारण है और सुबह तक ये बात का खुलासा हो गया कि यह युवती जो है अपने प्रेमी के साथ भागी हुई है। युवती और प्रेमी दोनों को दस्तयाब करके पूछताछ जब की गई तो दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की है और प्रेमी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।